इसकी फिजिक्स की 10th क्लास की पेरिंग स्कीम है जी। आज हम वो डिस्कस करेंगे कि आप अगर पास होना चाहते हैं तो आपको कौन से चैप्टर करने चाहिए। यहाँ पर पास होने के लिए आपको थोड़े चैप्टर ज्यादा करने पड़ेंगे, जैसे मैंने केमिस्ट्री में आपको गाइड किया था उसकी नस्बत ये ज्यादा है। आपको 10वां 12वां 13वां 14वां 15वां चैप्टर तक आपको करने पड़ेंगे। 11वां चैप्टर अगर आप स्किप भी करते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे और अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। 10वें चैप्टर में से एक एमसीक्यू और तीन शॉट, 11वें से एक एमसीक्यू और तीन शॉट, 12वें से दो एमसीक्यू दो शॉट, 13वें से एक एमसीक्यू तीन शॉट, 14वें से दो एमसीक्यू और तीन शॉट, 15वें से एक एमसीक्यू दो शॉट, 16वें से दो एमसीक्यू दो शॉट, 17वें से एक एमसीक्यू दो शॉट, 18वें से एक एमसीक्यू तीन शॉट। और ये बात बताने की जो मैंने आपको पहले कहा था कि आप 11वां चैप्टर छोड़ के आप 15 चैप्टर तक कर लें तो आपके मिला जुला के 5 चैप्टर बनते हैं, उसकी वजह यह थी कि 10वें और 13वें और 14वें से एक लॉन्ग बन गया। अगर आपका कोई भी आता तो आप ये कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो 12वां 15वां और 16वें के साथ है, तो आप यहां से 12वें और 15वें को अटेम्प्ट करके आपका लॉन्ग पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।